भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम का हो गया है ऐलान। किसे मिला है टीम में मौका और कौन हुआ है प्लेइंग 11 से बाहर, बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया की इस जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार आगाज किया है। जयपुर में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत ने उस मुकाबले को 5 विकेट से जीतकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। हालांकि इस टीम में कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। इसमें श्रेयस अय्यर और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में डेब्यू करने वाले वेंकटेश अय्यर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। भारत अब अपना अगला मुकाबला कल यानी 19 नवम्बर को खेलेगा। यह मुकाबला रांची के मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाना चाहेगी। हालांकि इस मुकाबले में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 के लिए कैसी है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों, बात करें सलामी बल्लेबाजी की तो दूसरे T20 मुकाबले में KL राहुल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी फिर से एक बार मैदान पर दिखाई देने वाली है। वहीं नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव को टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को इस मुकाबले में मौका मिल सकता है। नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम का हिस्सा होंगे। नंबर 6 पर ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को फिर से टीम एक बार मौका देना चाहेगी। नंबर 7 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जबकि नंबर 8 पर रविचंद्रन अश्विन टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नंबर 9 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 10 पर दीपक चहर, जबकि नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज टीम की प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले के लिए कुछ ऐसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपके मुताबिक दूसरे T20 मुकाबले में कैसी हो सकती है भारतीय टीम की प्लेइंग 11। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।